छत्तीसगढ़ के रायपुर के नए कप्तान ने अब कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही अवैध धंधों पर भी लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी है। शहर में अरसे से बेरोकटोक बेखौफ चल रहे हुक्का बारों पर अब लगातार कार्यवाही शुरू हो गई है। सिविल लाइन सीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने खमहार्ड स्थित जंगल कैफे में छापामार कार्यवाही की। कैफे में युवाओं को बेखौफ हुक्का पिलाया जाता था, यहां तक कि नाबालिगों तक को परोसा जाता था। मौके से पुलिस ने हुक्का पोट के साथ ही फ्लेवर इत्यादि जब्त किए हैं। इस मामले में पुलिस ने कैफे में अवैध रूप से हुक्का पिला रहे कैफे मैनेजर को गिरफ्तार किया है। मैनेजर के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि खमरडीही पुलिस ने गत रात भी दबिश देकर कचना फाटक के पास एक निजी मकान में हुक्का पी रहे 11 रईस जादों को पकड़ा था। सभी के खिलाफ कोटप्पा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।